पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे दो आरोपी को किया गिरफ्तार। दहेज की हत्या में चल रहे थे फरार। कन्नौज के थाना गुरह साईगंज के देवीपुरवा गांव का रहने वाला जीतू अधीरू, जिस पर दहेज हत्या का मुकदमा कोतवाली गुरह साई में दर्ज है, वो पिछले एक वर्ष से फरार चल रहे थे, जिस पर पुलिस ने दोनों भाइयों पर पुलिस के 10,000 का इनाम रखा था। जो पुलिस की स्वाट टीम से रडार पर थे, स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर जसोदा के निकट रेलवे स्टेशन से दोनों को गिरफ्तार किया। जो अपर पुलिस अधीक्षक ने आज खुलासा में बताया कि उक्त दोनों एक वर्ष से फरार चल रहे थे, जिन पर 10,000 का इनाम है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये 2017 में एक महिला है, जगवती, वाइफ ऑफ दीपक उर्फ दीपू। ये देवीपुरवा गुरसाहेगंज की इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में थाना गुरसाहेगंज पर 732/17, 304B, 498A और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें नामित अभियुक्तगण जीतू पुत्र सुगर सिंह और धीरू पुत्र सुगर सिंह है। ये फरार लगातार चल रहे थे, तब से इनकी गिरफ्तारी हुई, कुर्की हुई, प्रयास में गिरफ्तार नहीं हुए और इन पर 10,000 रूपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक पर घोषित किया गया था और हमारी स्वाट टीम और गुरसाहेगंज की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। सर, जो गिरफ्तार हुए, रिश्ते में क्या लगते हैं? ये इनके देवर जेठ हैं। टोटल कितने लोग उस मामले में? इसमें 4 लोग हैं, अभी 2 महिलाएं इसमें बची हुई हैं गिरफ्तारी के लिए, उनके ऊपर भी पुरस्कार घोषित है।